पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एश वर्सेस लाइसेंड्रा की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर मेगा म्यूटू एक्स के सामने लाइसेंड्रा मिमिक्यू को सेंड करती है और मिमिक्यू काफी इजीली हार जाता है। इसके बाद अपने सेकंड लास्ट पोकेमोन की तरह लाइसेंड्रा सेंड करती है डस्कनोयर को। डस्कनोयर और म्यूटू के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है, पर लास्ट में म्यूटू डस्कनोयर को डिफीट कर देता है। अब लाइसेंड्रा के पास एक लास्ट पोकेमोन बचता है जो कि था मेगा गेंगार। ये हिप्नोसिस का यूज करके मेगा म्यूटू एक्स को सुला देता है। अब मेगा म्यूटू एक्स बैटल फील्ड में सो गया था, वह अब कुछ भी नहीं कर सकता था। लाइसेंड्रा इसका फायदा उठाते हुए अपने गेंगार को ड्रीम ईटर अटैक यूज करने बोलती है, जिससे म्यूटू को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है म्यूटू तुम्हें उठना पड़ेगा वरना हम ये बैटल हार जाएंगे, पर म्यूटू नहीं उठता है। इसका फायदा उठाते हुए गेंगार वापस से शैडो बॉल का यूज करता है, जो कि म्यूटू के ऊपर सुपर इफेक्टिव था। इससे म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद गेंगार एक और ड्रीम ईटर अटैक का यूज करता है। अब म्यूटू फाइनली उठ जाता है, बट वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था इतने सारे अटैक के वजह से। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि म्यूटू क्या कर पाता है। ऐश अपने म्यूटू को रिकवर अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो अपनी एचपी रिकवर कर लेता है। लाइसेंड्रा बोलते हैं कि रिकवर अटैक के चलते हम बैटल में पीछे हो सकते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि ऐश की काफी अच्छी स्ट्रेटजी थी रिकवर अटैक का यूज करना। इसके बाद ऐश अपने म्यूटू को आइस पंच अटैक यूज करने बोलता है। म्यूटू बिल्कुल ऐसे ही करता है, पर गेंगार इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है म्यूटू मुझे पता ही था, अब आइस बीम का यूज करो अपने पीछे। म्यूटू जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और पीछे मेगा गेंगार के ऊपर वो आइस बीम का यूज कर देता है। गेंगार इसके लिए रेडी नहीं था और ना ही लाइसेंड्रा रेडी थी, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर आइस बीम लग जाता है, जिससे ना ही सिर्फ मेगा गेंगार को डैमेज पड़ता है बट वो फ्रीज भी हो जाता है, यानी कि अब वो मूव नहीं कर सकता था। ऐश बोलता है मेरी बारी है। वो अपने म्यूटू को फायर ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि डायरेक्टली गेंगार के ऊपर लग जाता है, जिससे गेंगार को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है बट वो बाहर निकल जाता है, यानी कि अब वो मूव कर सकता था। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है, म्यूटू थंडर अटैक का भी यूज कर देता है, जो कि मेगा गेंगार के ऊपर लगता है। इससे मेगा गेंगार को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। सही ना बोलती है कि ऐश का अमेजिंग कमबैक था। पहले मेगा गेंगार ने हिप्नोसिस अटैक का यूज करके म्यूटू को सुला दिया था, जिसके बाद वो कुछ अटैक का यूज करके म्यूटू को डैमेज देता है, और अब बिल्कुल इसी तरह से मेगा म्यूटू एक्स भी आइस बीम का यूज करके गेंगार को जमा देता है और कुछ अटैक का यूज करके गेंगार को डैमेज देता है। मिस्ट्री बोलते हैं सही ना, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि ऐश की स्ट्रेटेजी लाइसेंड्रा से ज्यादा अच्छी है। होपफुली ऐश यहाँ पर ही बैटल खत्म कर दे। इसके बाद ऐश अपने म्यूटू को रॉक स्लाइड अटैक यूज करने बोलता है, जिसको गेंगार टेलीपोर्ट करके डॉज कर लेता है और म्यूटू के पास आकर थंडर पंच का यूज कर देता है, जिससे मेगा म्यूटू एक्स को डैमेज पड़ता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में काफी अच्छी बैटल चल रही होती है और दोनों पोकेमॉन्स अपने अपने स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज कर रहे होते हैं। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ लाइसेंड्रा और ऐश भी अपने अपने पोकेमॉन के साथ बेस्ट दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके पोकेमॉन डिफीट हो जाए। इसके बाद गेंगार यूज करता है विलो विस्प अटैक का। ऐश बोलता है म्यूटू बैरियर का यूज करके इस अटैक को रोक दो। म्यूटू बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो इस अटैक को रोक देता है। अब म्यूटू यूज करता है थंडर अटैक का, बट गेंगार अपने घोस्ट टाइप पावर का यूज करके इसको डॉज कर लेता है और वो म्यूटू के ऊपर आ जाता है। ऐश बोलता है म्यूटू यही सही मौका है, साइकिक अटैक का यूज करो। म्यूटू साइकिक अटैक का यूज कर देता है और ये डायरेक्टली मेगा गेंगार के ऊपर लगता है, यानी कि अब म्यूटू गेंगार को कंट्रोल कर सकता था। ऐश बोलता है म्यूटू अपने साइकिक पावर्स का यूज करके गेंगार को पीछे वॉल के तरफ फेंक दो। म्यूटू बिल्कुल ऐसे करता है और इसे गेंगार को काफी डैमेज पड़ता है, वो जमीन पर गिर जाता है। लाइसेंड्रा बोलते हैं गेंगार क्या तुम ठीक हो, तुम्हें उठना होगा, हमें म्यूटू को डिफीट करना है किसी भी तरह से। गेंगार बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था, पर वो लाइसेंड्रा की बात सुनकर वापस खड़ा हो जाता है। सैना बोलती है कि पहली बार मुझे ऐश के अलावा किसी और ट्रेनर और उसके पोकेमॉन के बीच में इतनी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली है कि उसका पोकेमॉन डिफीट हो चुका है, बट फिर भी वो पोकेमॉन वापस से खड़ा हो रहा है अपने ट्रेनर के लिए बैटल करने के लिए। ब्रॉक बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, वेल यहाँ पर दो ऐसे ट्रेनर की बैटल हो रही है जो कि काफी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ऐश बोलता है म्यूटू चलो इस बैटल को खत्म कर देते हैं, जायंट साइज स्ट्राइक का यूज करो। इसको सुनकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। लाइसेंड्रा बोलती है क्या जायंट साइज स्ट्राइक, इसके बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना था, मुझे इसको काउंटर करना होगा। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ने बिल्कुल सही टाइम पे इस अटैक का यूज किया, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था म्यूटू को साइज स्ट्राइक यूज करवाने का। म्यूटू जायंट साइज स्ट्राइक क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर लाइसेंड्रा बोलते हैं मेगा गेंगार तुम भी जायंट शैडो बॉल का यूज करो। गेंगार कंफ्यूज लग होता है क्योंकि उसने कभी भी इससे पहले जायंट शैडो बॉल का यूज नहीं किया था। लाइसेंड्रा बोलते हैं गेंगार ट्राई करो, शायद से तुम जायंट शैडो बॉल क्रिएट कर पाओ। लाइसेंड्रा की बात मानकर गेंगार ट्राई करता है जायंट शैडो बॉल बनाने का। दोनों ही पोकेमॉन्स अपना पूरा जोर डाल देते हैं अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को यूज करने के लिए। अब दोनों ही पोकेमॉन्स ने अपने अपने जायंट शैडो बॉल और जायंट साइज स्ट्राइक क्रिएट कर लिए थे। ऐश बोलता है म्यूटू अपना जायंट साइज स्ट्राइक लॉन्च कर दो। वहीं पर लाइसेंड्रा बोलते हैं कि गेंगार अपना जायंट शैडो बॉल लॉन्च कर दो। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अपने जायंट अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो
जाता है और हर तरफ स्मोक हो जाता है। कुछ टाइम बाद जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि ऐश का म्यूटू अभी भी खड़ा हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ गेंगार गिरा तो हुआ है बट वो अपने मेगा फॉर्म में है, वो अपने बेस फॉर्म में नहीं आया है, यानी कि वो अभी भी बैटल नहीं हारा है। कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद भी दोनों ही पोकेमॉन्स अभी भी लड़ सकते हैं। दोनों ही पोकेमॉन्स की फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा अच्छी है बट कुछ टाइम बाद देखने को मिलता है कि गेंगार अपने मेगा फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो ये बैटल हार गया था। लाइसेंड्रा काफी डिसअपॉइंटेड होती है बट वो अपने गेंगार को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश काफी खुश होता है, वो एक लंबी सांस लेता है क्योंकि एक काफी इंटेंस बैटल खत्म हुई थी, उसको हर एक मोमेंट पे अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी थी और इसीलिए वो बैटल जीता है। ये बैटल बिल्कुल भी इजी नहीं थी। ऐश को रियलाइज हो जाता है कि चैंपियन फोर कितना ज्यादा टफ है और अभी भी दो ट्रेनर्स बाकी हैं। वेल अब ऐश अपने म्यूटू के पास जाता है और बोलता है, म्यूटू आज तुमने मुझे बचा लिया, तुम मेरे वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था एंड तुमने कर भी दिखाया। ऐश अपने म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। लाइसेंड्रा ऐश के पास आती है और बोलती है कि वेल ऐश तुम बैटल में काफी ज्यादा अच्छे थे। ऐश बोलता है फिर भी मेरे एक सिंगल बैटल में दो पोकेमॉन हार गए जो कि इस टूर्नामेंट के हिसाब से काफी ज्यादा है, यानी कि मैं इस बैटल को लॉस के तरह ही लूंगा, मुझे इतने पोकेमॉन्स नहीं हारने चाहिए थे। लाइसेंड्रा बोलती है वेल ऐश ये तो फिर भी अच्छा था, मेरे सामने काफी सारे ट्रेनर्स के तीन या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन्स डिफीट हो चुके हैं। मैं यहाँ की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर हूँ बट हाँ डेफिनेटली सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और भी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स आने बाकी हैं। तो हाँ तुम्हें फिलहाल के लिए खुश नहीं होना चाहिए बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि तुम अब तक के वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनर थे जिसको मैंने फेस किया है। कुछ ही ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं जो कि मेरे स्ट्रेटेजी तक को काउंटर कर सकते हैं एंड तुम उनमें से एक थे। तुम्हारी स्ट्रेटेजी अनबिलीवेबल थी, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम मेरे से ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हो। ऐश बोलता है थैंक यू, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। लाइसेंड्रा बोलती है वेल अब तुम आगे जा सकते हो, तुमसे मिलकर और बैटल कर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ऐश बोलता है मुझे भी। ऐश और लाइसेंड्रा दोनों ही हाथ मिलाते हैं और इसके बाद ऐश और इसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वो लोग नेक्स्ट गेट की तरफ आ जाते हैं और गेट खुल जाता है। उनको देखने को मिलता है कि एक काफी पतला रास्ता है जिनके कॉर्नर्स में काफी ज्यादा बड़े पोकेमॉन के विंग्स लगे हुए थे। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। साइड में उनको काफी सारी पेंटिंग्स देखने को मिलती है जो कि काफी एंशिएंट लग रही थी और वहाँ पर दो बड़े बड़े पोकेमॉन्स लड़ रहे थे। सारे पोकेमॉन विंग के साथ थे, वो फ्लेम निकाल सकते थे और काफी बड़े लग रहे थे। किसी को भी एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से टाइपिक का चैंपियन ट्रेनर होने वाला है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और तभी लाइट बन चालू होने लगती है। साथ में वहाँ पर काफी सारे टोर्नेडो चल रहे होते हैं, हर तरफ हवा चल रही थी। वहाँ पर काफी सारे पत्थर और एंशिएंट पेंटिंग भी होते हैं बिल्कुल एक केव के तरह। मिस्टी बोलते हैं कि इन सबको देखते हुए मुझे तो ये लग रहा है कि डेफिनेटली एक फ्लाइंग टाइप का चैंपियन ट्रेनर होने वाला है, तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सहीना बोलते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि हमें शुरू में विंग्स देखने को मिले थे जो कि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स के पास ही होते हैं एंड यहाँ पर काफी सारे टोर्नेडो और हवा चल रही है। ये सीधा सीधा हिंट है कि अगला चैंपियन ट्रेनर फ्लाइंग टाइप का होने वाला है। वेल ब्रॉक तुम्हें क्या लग रहा है? ब्रॉक बोलता है कि मेरा मानना थोड़ा अलग है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई फ्लाइंग टाइप का चैंपियन ट्रेनर होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग ये कोई और टाइपिंग है और फिलहाल के लिए मैं दो टाइपिंग में कंफ्यूज हूँ।